हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्कैनिंग फेज फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए हम इस जो स्कैनिंग फेज होता है वो कैसे होता है। देर आर टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, कितने प्रकार के स्कैनिंग होते हैं पता करना है। तो हमारा होगा यहाँ पे 2 3 4 5, इसमें हमारा होता है बी, यानी कि 3 तरह के स्कैनिंग होते हैं। और कौन कौन स्कैनिंग होते हैं ये पढ़ सकते हैं। पहला तो आपका होगा स्कैनिंग जो होता है एथिकल हैकिंग होता है, तो पहला होता है स्कैनिंग, दूसरा होता है नेटवर्क स्कैनिंग एंड पोर्ट स्कैनिंग। 3 तरह की स्कैनिंग होती है, एक जो वल्नरेबिलिटी चेक की जाती है, वल्नरेबिलिटी को, दूसरा नेटवर्क को और तीसरा पोर्ट को। तो 3 तरह की स्कैनिंग चेक की जाती है। कहीं भी अगर स्कैनिंग होगी तो 3 तरह पक्का होगी। एक तो पहले कमजोरी चेक की जाएगी, सिस्टम में क्या कमजोरी है जो कि वल्नरेबिलिटी होती है। दूसरा नेटवर्क की जाती है कि अगर बाहर से कोई भी डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो हम नेटवर्क में देखेंगे। तीसरा जो होता है पोर्ट, पोर्ट सही है कि नहीं है, कहाँ से किस पोर्ट से ले रहे हैं डाटा, ये भी देखना होता है। इन 3 तरह की स्कैनिंग हमारी की जाती है सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कैनिंग, कौन सा इसमें है जो स्कैनिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक पूरा पढ़ेंगे, मैं एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ इसमें जो सही होगा वो होगा हमारा डी, डिटेक्शन ऑफ स्पाई वेयर इन सिस्टम। मतलब जो हम स्कैनिंग जो मेन होता है वो इसका है, जो उद्देश्य यह नहीं होता है कि आप स्पाई वेयर को चेक करें। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो हमारा होता है कि जो भी टारगेट यूजर चल रहा है उसमें आईपी एड्रेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइव सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको डिटेक्शन करने का काम करते हैं। जो स्कैनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है यहाँ पे, जो भी नेटवर्क होता है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आईपी एड्रेस जो टारगेट है वो सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा यहाँ पे है फॉर डिस्कवरी, इसके लिए ऑलरेडी स्पाईवेयर के लिए ऑलरेडी बनाया गया है सॉफ्टवेयर जो कि होता है यहाँ पे एंटीवायरस है, तो उसका काम वही है, तो मेन जो इसका काम होता है वही करेगा। थर्ड है फॉर डिस्कवरिंग द ओएस रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम, मतलब मान लीजिए कोई टारगेट सिस्टम है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, तो डिस्कवरिंग के लिए हम यहाँ पे स्कैनिंग का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्या है। तो अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वो 3 का हमारा हो जाए, उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं हम यहाँ पे, जब स्कैन करना होगा किसी भी टारगेट यूजर को तो हम फिंगरप्रिंटिंग के नाम से फिंगरप्रिंट करते हैं, क्योंकि इसके क्या होता है कि इस पता चल जाए कि यहाँ पे जो यूजर है वो सही है कि नहीं। फिर हमारे यहाँ पता करना है फोर्थ नंबर, विच ऑफ द डेम इनमें से कौन सा है जो नॉट स्कैनिंग मेथड, जो स्कैनिंग का मेथड नहीं है। चेक फॉर लाइव स्ट्रीम सिस्टम, चेक फॉर ओपन पोर्ट, आइडेंटिफाइंग द मालवेयर इन सिस्टम, और यहाँ पूछा गया एक और होगा जो लास्ट ऑप्शन में, यहाँ पे चूंकि सी ही होगा, आइडेंटिफाइंग द मालवेयर इन द सिस्टम, क्योंकि इसका जो मेन काम है स्कैनिंग का वो ये नहीं होता है कि आइडेंटिफायर फाइंड करना, ठीक है, इसका मालवेयर को फाइंड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसका मेन काम होता है कि जो भी हमारा पोर्ट है सही काम कर रहा है नहीं करना है, लाइव सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं, बस ये मेन इसका उद्देश्य होता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे आईसीएमपी का जो स्कैन होता है वो किस क्या करता है, ओपन सिस्टम, लाइव सिस्टम, मेल फंक्शन सिस्टम, ब्रोकन सिस्टम, क्या करता है आईसीएमपी होता है। तो पांचवें इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लाइव सिस्टम को ही क्या करता है, यह स्कैन करता है, पूरे सिस्टम को यहाँ पे चेक करने का काम करता है। यहाँ सिक्स होता है इन लाइव सिस्टम जो स्कैनिंग होता है, इट इज चेक विच होस्ट आर ऑफ द नेटवर्क बाई पिंगिंग द सिस्टम इन द नेटवर्क। तो हमारा हो जाएगा 6 का ए, जो कि होगा हमारे यहाँ पे वह होगा हमारा 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। फिर हम बात करेंगे 7 नंबर, 7 नंबर क्या है कि एट्रीब्यूट इज यूज टू ट्विक द पिंग टाइम आउट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ट्विक द पिंग टाइम आउट वैल्यू, इसमें क्या होता है ए टाइम टी पी टाउ, तो इसमें क्या होगा, कौन सा एट्रीब्यूट होगा जो यहाँ पे टाइम आउट वैल्यू का यूज कर रहा है। तो हमारा 7 हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि होता है हमारा टी। फिर पूछा गया यहाँ पे हमारा 8वां कि क्या होगा, विच ऑफ देम डू नॉट कम अंडर नेट बायोस इंफॉर्मेशन, नेट बायोस के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर कौन सा इसमें नहीं आता, नेम ऑफ सिस्टम या पीसी, वर्क ग्रुप नेम, मैक एड्रेस और रैम स्पेस। तो जो 8 हो जाएगा उसका हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन मिल जाएगा, वो होता है रैम स्पेस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 9 नंबर, 9 में क्या हमारा है कि ए इज ए स्पेशल सिंपल नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग विच रेंज ऑफ आईपी एड्रेस मैप टू लाइव होस्ट, ए स्कैन स्विप, बी पिंग स्विप, सी स्कैन पिंग और डी दिया है होस्ट पिंग। तो हमारा 9 हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, जो कि होता है हमारा पिंग स्विप। देन हमारे यहाँ पूछा गया पिंग स्विप इज ऑल्सो नोन एज पिंग स्विप, क्या पहले जाना जाता है ये है आई सी एम पी स्विप, बी आई सी एम पी कॉल, आई सी होता है जी एम पी स्विप और डी होता है आई सी एम पी पिंगिंग। तो हमारा 10th हो जाएगा, वो हो जाएगा ई हमारे यहाँ पे आई सी एम पी स्विप। फिर हमारे यहाँ पूछा गया 11 नंबर बताना है क्या होने वाला, इफ एनी गिवेन एड्रेस इज रनिंग लाइव, यदि कोई भी एड्रेस लाइव चल रहा है तो विल रिटर्न आई सी एम पी को रिप्लाई, आई सी एम पी को करेंगे तो क्या रिप्लाई करेगा। तो 11 हो जाएगा हमारा यहाँ पे ई, यानी कि ट्रू करेगा रिप्लाई यहाँ पे। फिर पूछा गया यहाँ पे कि 12 नंबर पूछा गया है कि क्या होने वाला है, तो स्कैनिंग इज डन
वेन ए सीरीज ऑफ मैसेज आर सेंट बाई समवन कीपिंग इन माइंड टू ब्रेक इट टू अ कंप्यूटर, ठीक है, मैंने कंप्यूटर को ब्रेक करने में जो माइंड का यूज किया था उसने, उसको स्कैनिंग में किसका यूज किया था, नेटवर्क पोर्ट वल्नरेबिलिटी या सिस्टम, तो 12 हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी, पोर्ट होता है, पोर्ट को हम स्कैन करते हैं जो भी हम यहाँ पे करते हैं कंप्यूटर में। फिर हमारे यहाँ पे 13 नंबर हो जाएगा, 13 में क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया स्कैनिंग का भी है, स्कैनिंग इज प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एक्टिव होस्ट ऑन नेटवर्क, मतलब कि जो स्कैनिंग का, किस स्कैनिंग का मेन जो फोकस होता है वो प्रोसीजर क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है ना कि जो भी एक्टिव होस्ट है वो आपके नेटवर्क पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी चेक करना होता है। तो 13 का हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा नेटवर्क, नेटवर्क स्कैनिंग जो होता है हमारा ना, हर चीज़ का अलग अलग स्कैनिंग होता है, नेटवर्क स्कैनिंग का मेन फोकस यही रहता है कि जो भी हम होस्ट हैं हमारे नेटवर्क पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका प्रोसीजर चेक किया जाता है। ये हमारा चौथा नंबर है, ये स्कैनिंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद इन नेटवर्क, नेटवर्क के भीतर ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। तो 14 हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में चेक किया जाता है कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेस कहीं तो कमी तो नहीं है कोई नेटवर्क में। और फिर हमारे यहाँ पे 15 नंबर जो कि लास्ट होगा इसका, विच ऑफ देम इज नॉट ए स्टैंडर्ड स्कैनिंग टाइप और टर्मिनोलॉजी, कौन सा इसमें है जो कि आप स्टैंडर्ड स्कैनिंग का यूज नहीं किया जाता है, नेटवर्क पोर्ट वल्नरेबिलिटी और सिस्टम। तो 15 का हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी, सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे क्या चेक नहीं किया जाता है या क्या करता है, या तीन चीज़ों को चेक करता है। तो देखिए हमारा जो स्कैनिंग होता है वो तीन चीज़ों का ही होता ही है, ठीक है, पहला जो था नेटवर्क चेक करेगा, दूसरा पोर्ट चेक करेगा और तीसरा वल्नरेबिलिटी चेक करेगा। सिस्टम का इसे कोई लेना देना नहीं है कि वायरस है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, इसका सिंपल फंदा एक ही है कि नेटवर्क पोर्ट और वल्नरेबिलिटी इन्हीं तीनों को ये क्या करेगा, ये चेक करेगा जो भी स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग का मतलब ये होता है इन्हीं तीनों को चेक करना, नेटवर्क को, पोर्ट को और वल्नरेबिलिटी को, सिस्टम को चेक करने के लिए अलग सारी चीज़ें हैं।